आर ऑल फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ. माय नेम इज़ सुमेरा फारूक एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर. टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टॉपिक इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि प्रॉब्लम किसी मसले को कहते हैं, किसी परेशानी को कहते हैं, और ऐसा मसला और परेशानी जिसको हल करना होता है उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले डिफाइन करना ज़रूरी है. आइए देखते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. सबसे पहले कोई भी मसला या परेशानी होती है हमारे साथ तो हम देखते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा वे चूज़ करते हैं या कौन सा ऐसा तरीका है जो इख्तियार करते हुए हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं. अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एनी डिफ़िकल्टी. और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी मसला होता है या कोई भी हमारे साथ प्रॉब्लम है कि वो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है या वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेस, ड्रॉ अ पिक्चर. सबसे पहला स्टेप हमारा है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि हम सबसे पहले सिचुएशन को देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं कि उसकी क्या सरकमस्टांसिस हैं और उसकी सिचुएशन क्या है और प्रॉब्लम है क्या. बाद में हम उसकी नौयत जानते हैं कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है, वो किस तरह सॉल्व होगी. और ये सब चीज़ें जानने के बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सा वे जो है वो चूज़ करना चाहिए ताकि उसका गुड सॉल्यूशन निकल सके. और हम सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं वन बाय वन, फोकस करते हैं उन पे कि हमें कौन सा तरीका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेटर रहेगा. लेकिन सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में हमें वन बाय वन स्टेप्स पता होते हैं कि हम उनको फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे. लेकिन जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होती उनमें हमें पता नहीं होता कि हम आया कि हम जो भी वे चूज़ कर रहे हैं वो हमें गुड रिज़ल्ट देगा या बैड रिज़ल्ट देगा, या वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए काफ़ी हैं या नहीं. सेकंड है यूज़ गैसेस. हम ट्राई करते हैं कोई भी ऐसा गैस लगाने के लिए, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वे चूज़ कर रहे हैं वो गुड है या बैड है या उसके बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे. और ज़्यादातर जो हमारे गैसेस होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस से होते हैं, यानी कि अगर हमने पहले इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की होती है तो हमें पता होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है और कौन से स्टेप फॉलो करने हैं. थर्ड, ड्रा पिक्चर. अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम पिक्चर ड्रा करते हैं या कोई भी फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं उस प्रॉब्लम को समझने के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट जानने की कोशिश करते हैं. लुक एट द स्लाइड. आपको एक पिक्चर शो हो रही है, देखें गूगल क्रोम है एंड मोज़रेला फायरफॉक्स है. सबसे पहले 10 मार्क्स हमने दिए हैं फर्स्ट स्टेप में, इक्वल्स टू 30, यानी आपको पता है कि हर गूगल क्रोम के 10 मार्क्स हैं. नेक्स्ट स्टेप में गूगल क्रोम के 10 मार्क्स हैं, मोज़रेला फायरफॉक्स जो है उसके 4 है क्योंकि वो इक्वल 18 है. 10 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 18. थर्ड स्टेप में आपने अब आपको पता चल गया होगा कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. जो मैंने सॉल्व किया है आपको पता है कि 10 मार्क्स गूगल क्रोम के हैं एंड 4 मार्क्स जो हैं वो मोज़रेला फायरफॉक्स के. तो थर्ड वन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये आपका आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.